गाइस अभी टाइम में अगर आप लोग फ्री फायर खेलते हो तो आपको गेम के अंदर बिल्कुल भी फ्री डायमंड्स नहीं मिलते हैं। मतलब अभी आप लोग चाहे 24 घंटा गेम खेलो, कुछ भी कर लो, आपको गेम के अंदर फ्री डायमंड्स नहीं मिलते हैं। लेकिन गाइस क्या होगा अगर मैं आप लोगों से बोलूं, एक टाइम पर गरीना वाले खुद हमें बस गेम खेलने के बदले में फ्री डायमंड्स देते थे। और जितने भी बंदे यहां पर वॉच एड्स एंड अर्न डायमंड के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं गाइस, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। उसके अलावा भी फ्री फायर वाले हमें गेम के अंदर फ्री डायमंड्स देते थे जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। और गाइस क्या आप लोगों को ये चीज पता है, अभी टाइम हमारे गेम के अंदर एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक है जिसकी मदद से आप लोग अपना लेवल 10 गुना तेजी से बढ़ा सकते हो। मतलब अभी टाइम में अगर आपका फ्री फायर में लेवल 50 या फिर 60 है तो आप लोग बहुत ही कम टाइम के अंदर अपना लेवल 70 या फिर 80 तक कर सकते हो। गाइस अगर आप लोग भी वो सीक्रेट ट्रिक जानना चाहते हो तो आज की वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फ्री फायर के टॉप 6 ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसको सुनकर आपका भी रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। तो आओ फिर हम लोग वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस उससे पहले एक बार आप लोग ये स्क्रीनशॉट देखो तो गाइस अभी के टाइम में हमारे चैनल के साथ फिर से एक ग्लिच हो चुका है, जिसकी वजह से गाइस हमारे जितने भी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा था उनके अकाउंट से ऑटोमेटिकली अनसब्सक्राइब हो रहा है। तो गाइस प्लीज आप लोग एक बार चेक कर लेना कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा है ना, और अगर अभी तक नहीं करा तो कर दो यार। और चलो अभी हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 6 के साथ। गाइस अभी टाइम में हमारे गेम के अंदर ना जाने कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि डेली रिमूव होती रहती है। लाइक कुछ टाइम पहले गेम के अंदर से ग्लाइडर रिमूव हुआ था, उसके बाद में गेम के अंदर जो सर्व बोर्ड थी वो रिमूव हो गई थी, और उसके बाद में जो लेवल अप कार्ड था वो रिमूव हो गया था। लेकिन गाइस क्या आप लोगों को ये चीज पता है, हमारे गेम के अंदर एक ऐसी चीज है जो कि गेम के अंदर से रिमूव हो चुकी है लेकिन उसके ऊपर किसी भी प्लेयर ने ध्यान ही नहीं दिया। तो गाइस यहां पर मैं बात कर रहा हूं फ्लैश बैंक की। तो गाइस पहले आपको गेम के अंदर फ्लैश बैंक देखने को मिलता था जिसको आप लोग एनिमी के ऊपर फेंक कर एनिमी को अंधा कर दिया करते थे। लेकिन गाइस अभी टाइम आपको रैंक गेम के अंदर फ्लैश बैंक देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि फ्लैश बैंक अभी रैंक गेम से रिमूव हो चुका है। तो गाइस इसके रिमूव होने का बस एक ही रीजन है कि इसको कोई भी प्लेयर यूज ही नहीं करता था, तो इसलिए फ्री फायर वालों ने इसको रिमूव कर दिया। आप लोग बताना कि आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी थी कि फ्लैश बैंक अभी गेम के अंदर से रिमूव हो चुका है। फैक्ट नंबर 5 गाइस, अगर आप लोग फ्री फायर खेलते हो तो ऑब्वियसली बात है आप लोगों ने रायस्टर का नाम तो जरूर सुना होगा, क्योंकि इस टाइम पर रायस्टर पूरे वर्ल्ड का सबसे फेमस प्लेयर था। मतलब हमारे पूरे फ्री फायर में सबसे ज्यादा लोग रायस्टर को जानते थे। पहले के टाइम में अगर रायस्टर के ऊपर कोई वीडियो अपलोड होती थी तो भाई उस पर भी मिलियन में व्यूज आते थे, और उसके खुद की वीडियोस पर भी भाई 10-15 मिलियन व्यूज आते थे। लेकिन क्या आप लोगों को ये चीज पता है कि अभी टाइम में रायस्टर का ट्रेंड गेम में से खत्म क्यों हो गया? गाइस वैसे तो उसके बहुत सारे रीजन है लेकिन जो मेन रीजन है वो मैं आपको बता देता हूं। गाइस रायस्टर के ट्रेंड खत्म होने का सबसे पहला रीजन है रायस्टर की लाइव स्ट्रीम। तो गाइस आप लोगों को याद होगा पहले के टाइम में रायस्टर 5 महीने या फिर 6 महीने में एक वीडियो अपलोड करता था, जिस वजह से रायस्टर की गेम के अंदर जो हाइप है वो बहुत ज्यादा बढ़ती। लेकिन गाइस रायस्टर ने गलती कर दी, रायस्टर ने अपने और भी चैनल ओपन कर ली जहां पर वो बहुत ज्यादा लाइव स्ट्रीम करता था और बहुत जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करता था। इसी वजह से गाइस जहां पहले लोग रायस्टर का 5-6 महीने वेट करते थे उसके बाद में उसकी एक वीडियो देखते थे, उनको डेली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस मिल रही थी। तो गाइस इसी वजह से रायस्टर की जो मेन वीडियोस की हाइप थी वो गेम में खत्म हो गई। सेकंड रीजन है रायस्टर की वॉइस रिवील। तो गाइस जब तक रायस्टर ने अपना वॉइस रिवील नहीं करा था तो उस टाइम पर बहुत सारे लोग जो है रायस्टर को देखते थे और उन लोगों के मन में भी हाइप होती थी कि भाई रायस्टर का फेस और रायस्टर की वॉइस कैसी होगी। लेकिन गाइस जब रायस्टर ने अपनी वॉइस रिवील करी तो उसके बाद में उसकी जो गेम में यूनिकनेस थी वो खत्म हो गई, क्योंकि गाइस हमारे इंडियन सर्वर में बहुत ही कम ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपने वॉइस या फिर फेस रिवील नहीं करें और फिर भी वो इतने ज्यादा फेमस हो। और इसके बाद में गाइस आता है हमारा सबसे बड़ा रीजन और वो है गेम का क्रेज खत्म होना। तो गाइस एक चीज आप लोग समझो, रायस्टर जो है वो गेम से तो फेमस था ना, जब फ्री फायर का क्रेज खत्म हो गया तो गाइस रायस्टर फेमस कहां से होगा? तो इसी वजह से हमारे फ्री फायर के साथ साथ रायस्टर का ट्रेंड भी खत्म हो गया। चलो इसके बाद में मैं आपको बताता हूं हमारा फैक्ट नंबर 4। गाइस अभी टाइम में अगर मैं आप लोगों से पूछूं गेम के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे रेयर गन स्किन कौन सी है, तो आप में से मैक्सिमम प्लेयर्स किसी ईवो गन स्किन का नाम लेंगे। अभी टाइम में पूरे गेम में सबसे ज्यादा ओवर पावर गन स्किन्स ईवो गन स्किन्स ही। लेकिन क्या आप लोग ये चीज पता है, आज से 3 साल पहले हमारे गेम के अंदर सबसे रेयर और सबसे बेस्ट गन स्किन कौन सी थी? गाइस मैं आप लोग बता दूं 2019 और 2020 में गेम के अंदर 3 गन स्किन सबसे ज्यादा बेस्ट मानी जाती थी। उन स्किन्स का नाम है ड्रैगन M10, क्यूपिड स्कार और फायरी M10। मैं जानता हूं यार जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं ये चीज सुनकर उनके आंखों में तो एकदम आंसू आ गए होंगे, क्योंकि यार ये जो गन स्किन है ना वो हमारे लिए बस गन स्किन नहीं बल्कि की इमोशन है। पहले के टाइम में गाइस फ्री फायर के हर एक प्लेयर का सपना होता था कि काश उसके पास ये तीनों गन स्किन्स और फायरी M10 को दो, भाई हम लोग बहुत ही ज्यादा रेयर समझते थे। और जिस बंदे के पास भी पहले लॉबी में फायरी M10 होती थी हम लोग उसको ऐसी प्रो मान लिया करते थे। लेकिन अभी टाइम में आप लोग गेम की हालत देखो, अगर कोई बंदा अभी टाइम में लाखों डायमंड खर्च करके अपनी सभी वो गन मैक्स भी कर लेता है तभी हम लोग उसको इतना प्रो नहीं मानते जितना पहले हम लोग क्यूपिड स्कार ड्रैगन AK और फायरी M10 वालों को मानते थे। चलो इसके बाद में हम लोग बढ़ते हमारे अगले फैक्ट की ओर, फैक्ट नंबर 3। गाइस अभी टाइम में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग फ्री फायर कैसे खेलते हो, आप में से ज्यादातर बंदे बोलेंगे भाई ये भी कोई पूछने का सवाल है, हम लोग सिंपली अपना फोन उठाते हैं उसमें फ्री फायर ओपन करते हैं और फ्री फायर को खेलने लगते हैं। लेकिन गाइस क्या आप लोगों को ये चीज पता है कि आज से लगभग 2-3 साल पहले गेम के अंदर एक चीज का ट्रेंड बहुत ही ज्यादा बढ़ गया जिसके बिना ज्यादातर प्लेयर्स गेम खेलते ही नहीं थे। गाइस यहां पर मैं बात कर रहा हूं हमारे ट्रिगर्स की। गाइस आप में से जितने भी बंदे फ्री फायर को कम से कम 2 या 3 साल पहले से खेल रहे हैं उनको ट्रिगर्स के बारे में जरूर पता होगा। एक टाइम पर इन ट्रिगर्स का ट्रेंड गेम में इतना ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि उस टाइम पर हर बंदे को 4 फिंगर से खेलने का मन चाहता था, लेकिन ज्यादातर बंदों की उसमें इतनी प्रैक्टिस नहीं थी। तो गाइस बहुत सारे बंदे जो है ट्रिगर्स का यूज करते थे, क्योंकि ट्रिगर्स का यूज करके ज्यादातर बंदे 4 फिंगर गेम प्ले बहुत आसानी से कर लिया करते थे। और इसके अलावा गाइस एक और चीज हमारे गेम के अंदर काफी ज्यादा फेमस थी और वो हमारे फिंगर स्लीव। मुझे आज भी याद है 2021 के अंदर फिंगर स्लीव गेम के अंदर इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी क्योंकि उस टाइम पर हर बंदे को सिर्फ फास्ट मूवमेंट चाहिए और अपनी मूवमेंट स्पीड फास्ट करने के चक्कर में या तो ज्यादा बंदे पाउडर यूज करते थे या फिर बहुत सारे बंदे फिंगर स्लीव यूज करते थे। फिंगर स्लीव यूज करने से हमारे मोबाइल के ऊपर जो हाथ होता है वो बहुत स्मूथ
स्मूथली चलता है। सो आप लोग बताना गाइस कि आप लोगों ने गेम के अंदर कभी ट्रिगर्स या फिंगर्स लीव्स का यूज किया है। भाई मैंने तो एक टाइम पर ट्रिगर्स और फिंगर्स लीव्स से बहुत ही ज्यादा खेला है। मैंने आज से लगभग 4 साल पहले ट्रिगर्स यूज कर लिए थे और शायद इसी वजह से मैं स्टार्टिंग से 4 फिंगर पर खेलता हूं। और चलो अभी अपनी ज्यादा तारीफ नहीं करते और बढ़ते हमारे अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 2 गाइस, अभी के टाइम में अगर आप लोग फ्री फायर खेलते हो तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि अभी आप लोग चाहे कितना भी गेम खेलो, फ्री फायर वाले आपको कभी भी फ्री डायमंड्स नहीं देते। चाहे आप लोग 24 घंटा खेलो या फिर कितनी भी देर खेलते रहो, आपको फ्री डायमंड्स नहीं मिलेंगे। लेकिन गाइस क्या आप लोगों को ये चीज पता है, लगभग 4 साल पहले फ्री फायर वाले हमें खुद फ्री में डायमंड्स देते थे और वो भी सिर्फ गेम खेलने के लिए। और मैं आपको पहले बता दूं गाइस, यहां पर मैं वॉच एड्स एंड अर्न डायमंड की बात नहीं कर रहा हूं गाइस। वैसे उसमें भी डायमंड्स मिलते थे लेकिन वो अलग चीज थी। आपको उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं जिसके बारे में बहुत ही कम प्लेयर्स को पता है कि वहां से भी हमें फ्री फायर वाले फ्री में डायमंड्स देते थे। सो गाइस अगर आप लोग सीजन 4 से फ्री फायर खेल रहे हो तो आपको ये चीज पता होगी, सीजन 4 के टाइम पर हमें 225 बैजेस क्लेम करने पर 50 डायमंड बिल्कुल फ्री में मिलते थे। आप में से बहुत सारे बंदे बोलेंगे भाई इलाइट पास तो डायमंड का आता है, तो भाई रुको जरा सबर करो, यहां पर मैं इलाइट पास की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं फायर पास की है, जो कि गाइस हमें सीजन के स्टार्टिंग में फ्री में मिलता है। मतलब कि जो इलाइट पास में ऊपर के साइड में रिवॉर्ड्स होते हैं, तो गाइस इसमें हमें 50 डायमंड बिल्कुल फ्री में मिल रहे थे। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे बंदों को इस चीज पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो गाइस मैं आपको सच में दिखाई देता हूं। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो, हमें 220 बैजेस क्लेम करने पे ऊपर की साइड में यहां पर 50 डायमंड मिल रहे हैं। और सीजन 4 के टाइम पर 50 डायमंड की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। उस टाइम पर जितने भी बंदे फ्री फायर खेलते थे सभी बंदों को 50 डायमंड बिल्कुल फ्री में मिले थे। और अभी टाइम में फ्री फायर के 90% प्लेयर को ये चीज नहीं पता है कि सीजन 4 में हमें 50 डायमंड फ्री में मिले थे। चलो गाइस इसके बाद में मैं आपको बताता हूं हमारा फैक्ट नंबर 1। तो फाइनली गाइस अभी वो ट्रिक आ चुकी है जिसका आप लोग स्टार्टिंग से वेट कर रहे थे, मतलब कि हमारी लेवल अप वाली ट्रिक। तो गाइस अभी मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं जिसको अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आपका लेवल बहुत ही तेजी से इंक्रीज होगा। तो आप लोग सभी टिप्स को एकदम अच्छे से सुनना और सभी को फॉलो करना, वरना आपका लेवल तेजी से इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो गाइस लेवल इंक्रीज करने के लिए आपको जो चीज फ्री फायर में चाहिए वो है एक्सपीरियंस। अब ये जो एक्सपीरियंस है वो आपको गेम्स खेलने के बदले में मिलता है। अब बहुत सारे बंदे सोचते हैं कि जो हमें एक्सपीरियंस होता है वो हमारे किल्स, डैमेज, इन चीजों पर मिलता है। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं ये चीज टोटली गलत है। आपको जिन चीजों पर फ्री फायर में एक्सपीरियंस मिलता है वो है आपका बोया, आपका डिस्टेंस कवर्ड और आपका सर्वाइवल टाइम। मतलब अगर आपको ज्यादा ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको हर गेम के अंदर ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव करना पड़ेगा। मतलब हर गेम को कम से कम 15-20 मिनट चलाना पड़ेगा। और आपको गेम के अंदर एक जगह पर नहीं रहना है, आपको गेम के अंदर चलते रहना है। मतलब आपको ज्यादा ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ट्राई करना है कि आपको गेम के अंदर बुया करना है। तो गाइस ऐसा करने से आपको इजीली हर गेम के अंदर 800 से 900 एक्सपीरियंस मिल जाएगा। सवाल आता है कि हमारे फ्री फायर के अंदर तो बहुत सारे मोड्स हैं, तो हमें कौन सा मोड खेलना चाहिए जिससे हमारा लेवल सबसे ज्यादा इंक्रीज हो। गाइस मेरे जितने भी दोस्त हैं जिनका लेवल 90+ है, उन सबसे मुझे एक ही चीज पता चली कि फ्री फायर में अगर आपको लेवल पुश करना है तो आपको ज्यादा ज्यादा फुल मैप का रैंक गेम खेलना है। क्योंकि गाइस अगर आप लोग क्लैश स्क्वाड रैंक खेलोगे तो उसमें आपको मैक्सिमम 200 या फिर 250 एक्सपी मिलती है। लेकिन अगर आप लोग रैंक गेम को सही से खेलोगे जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें आपको 900 एक्सपी तक मिल सकती है। और हां, लेवल पुश करने के लिए आपको एक मोड को बिल्कुल ही अवॉइड करना है जो कि हमारा कस्टम रूम। गाइस कस्टम रूम एक ऐसा मोड है जिसके अंदर आपको कोई भी एक्सपी नहीं मिलती है, तो उसको आप लोग चाहे जितना भी खेलो आपका लेवल इंक्रीज नहीं होगा। इसलिए आपको ज्यादा ज्यादा बीआर रैंक खेलना है। एंड अगर आप लोग सोलो, डुओ या फिर स्क्वाड में कंफ्यूज हो तो मैं आपको बता दूं गाइस, लेवल पुश के लिए सबसे अच्छा डुओ या फिर सोलो रहता है, क्योंकि उसमें मैच मेकिंग थोड़ी फास्ट होती है और गेम भी जल्दी खत्म होता है। एंड लास्ट में गाइस आपको एक और चीज लेनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा डबल ईएक्सपी कार्ड। सो गाइस हमारे फ्री फायर में दो तरह के ईएक्सपी कार्ड है, एक तो हमारा 50% ईएक्सपी कार्ड और एक हमारा 100% ईएक्सपी कार्ड। सो आप लोग ट्राई करना कि आपके पास दोनों रहे। वैसे बहुत जगह से आपको ईएक्सपी कार्ड फ्री में मिल ही जाता है, आपको गिल्ड के अंदर से मिल जाता है, उसके अलावा आप लोग गिल्ड टोकन के बदले में ले सकते हैं। और कुछ इवेंट्स आते हैं जिसके अंदर भी आपको ईएक्सपी कार्ड मिल जाते हैं। गाइस ये ईएक्सपी कार्ड अगर आपकी आईडी में है तो आपको डबल ईएक्सपी मिलेगी। मतलब जितना लेवल आपका दो गेम में इंक्रीज होता अब उतना एक ही में होगा। तो बस गाइस यही थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आपका लेवल बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। चलो गाइस आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और भी ज्यादा पसंद आई है तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।